मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के निर्देश के बाद एक्टिव हुआ प्रशासन, थीम रोड से समझाइश देकर हटाया अतिक्रमण। बीते रोज मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जिले के एक दिवसीय दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने थीम रोड का जायजा लिया। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि थीम रोड पर अतिक्रमण ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर अतिक्रमण हो गया है तो अतिक्रामकों को समझाइश देकर हटवाएं। मंत्री के निर्देश के बाद बुधवार से प्रशासन हरकत में आया। नगर पालिका और यातायात विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुना नाके से लेकर झांसी तराहे तक थीम रोड पर किए गए अतिक्रमणकारियों को समझाइश देकर अतिक्रमण हटवाया। वहीं एसडीएम गणेश जायसवाल ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि अगर फिर से अतिक्रमण किया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सड़क पर खड़े वाहनों के भी चालान काटे गए। से लगे हैं और आप सड़क पर उतर कर आपने आज अतिक्रमण को लेकर बहुत से पैदल चल के दुकानदारों को समझाई दी है, क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मालूम है आपको, पूरे देश में हमारे प्रदेश का एक शहर अपने सर्वोच्च सफाई अभियान के कारण दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। इंदौर, भोपाल जैसे शहर आज हमारे सफलता के प्रतीक बने हुए हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते? हमारे यहाँ भी वही लोग हैं, हम भी भारतीय हैं, हम भी भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भी साफ सफाई पसंद करने वाले लोग हैं, हम भी एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। तो आज हम लोगों ने ये तय किया था कि हम अपने शहर को सुरक्षित बनाने के लिए, चाहे वो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे हमारे लोगों के आवागमन के साधन की व्यवस्था हो, चाहे हमारे दुकानदार भाइयों की व्यवस्था हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे बड़े दुकानदार हो, चाहे बड़े व्यवसायी, हमने किसी के साथ भी कोई ऐसा चीज़ करने की कोशिश नहीं की है कि उनको लगे कि हमारे साथ कोई गलत काम किया जा रहा है। लेकिन उनको समझाकर, उनको पूरी तरह से चीज़ों को बताकर उनसे सहयोग लिया गया, जिसमें उन्होंने पूरी तरह सहयोग किया। हमने गुना नाका से लेकर झांसी तिराहे के दोनों साइड के दुकानों का भी टारगेट किया था, इन चीज़ों के अतिक्रमण को सही व्यवस्थित करने का टारगेट किया था, जिसमें हमारे बड़े दुकानदार जो थे उनको समझाइश दी गई, अच्छे से समझाइश दी गई, जिनके लोहे लक्कड़ वगैरह सब बाहर थे, पूरे रोड के एकदम बाउंड्री तक आए हुए थे। हमारी थीम रोड इतनी अच्छी बन रही है, इतनी माननीय मंत्री महोदया का इतना अच्छा एक संकल्प है कि हम इस शहर को खूबसूरत बनाएं, थीम रोड के कारण पूरा शहर एकदम जगमगाता हुआ शहर के रूप में जाना जाए। तो इसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड की जो व्यवस्थाएँ हैं, दुकानों की व्यवस्थाएँ हैं या हमारे ठेलों की व्यवस्थाएँ, वो अच्छी हो सके। तो हमने पहले देखा कि हमारे बैंक थे, जैसे हमारे यहाँ जो SBI था, SBI के सामने अनावश्यक गाड़ियाँ थी, जबकि उनके पास नीचे पार्किंग व्यवस्था है, उनके खुद अधिकारी कर्मचारी रोड पे लगाए हुए थे। हमने वहाँ से कुछ गाड़ियाँ भी जब्त की और उनको समझाइश देकर सारी गाड़ियाँ उनको अंडरग्राउंड कराया कि आइंदा आप इसको बाहर नहीं रखेंगे, जब आप खुद पालन करेंगे तभी जनता पालन कर सकती है, ग्राहक पालन कर सकता है। सर, शिवपुरी SDM साथ में आप लोग और नगर पालिका CMO भी आपके साथ मौजूद हैं और शिवपुरी पुलिस के SDOP साहब भी मौजूद हैं, यातायात प्रभारी भी मौजूद हैं, लेकिन जो PWD विभाग है वो आपको सहयोग करता आज नहीं दिखा, आपने दो बार उन्हें फोन किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, PWD की अपनी कोई मजबूरी रही होगी, हमारा अभियान जब शुरू हुआ तो इसमें हमारे SDOP, हमारे CMO, हमारे जो 18 ये रोड प्रभारी है, हमने वो जो अपने रणवीर जी और हमारे जो है नगर इसके आप क्या बोलते हैं PWD के साथियों को हमने बुलाया था, सारे लोग आ चुके थे, PWD के ही कहीं व्यस्त थे, उनसे बार बार बोला गया था कि आप अपने नीचे के किसी को भेज दीजिए, SDO को भेज दीजिए या फिर सब इंजीनियर को भेज दीजिए। तो आते आते उनको काफ़ी देर हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आदमी कहीं फंस जाता है, कहीं कोई काम होता है, वो बाद में आ गए हैं और वो सहयोग में लगे हुए हैं अपने साथ। ये पूरी टीम भावना है, मैंने पहले कहा ये कोई